सो हेलो स्कॉलर्स, आज से हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 का नेम क्या है बच्चों? डेसिमल एंड परसेंटेज। देखिए, डेसिमल एंड परसेंटेज, ये आपने सुना ही होंगे ये वर्ड्स। बेसिकली किसी भी नंबर को अगर मैं लिखूं, सपोज कीजिए मैं अगर ये नंबर लिखता हूँ, तो इस नंबर में जो मेरा पॉइंट वाला नंबर है यही मेरा डेसिमल है। तो ये जो पॉइंट है इसी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेसिमल से। क्लियर? अब डेसिमल या फिर इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि हमें डेसिमल्स के बारे में पहचानने होंगे, उसके बाद हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो आ जाता है कॉन्सेप्ट वो होता है प्लेस वैल्यू चार्ट। वो कॉन्सेप्ट आता है क्या हमारा? प्लेस, वो मैं लिखता हूं प्लेस वैल्यू चार्ट। अब अभी तक बच्चों हमने क्या किया था? प्लेस वैल्यू चार्ट हमने पॉइंट वाले नंबर का बनाना नहीं सीखा था। आज हमें क्या करना है? प्लेस वैल्यू चार्ट देखना है, पॉइंट्स वाले नंबर्स का भी फाइंड आउट करना और लिखना कि कैसे हम उसको बिल्ड कर सकते, बना सकते हैं। सबसे पहले मैं एक नंबर एज्यूम करता हूं। सपोज कीजिए कि मुझे 256.38, ओके, इसका मुझे प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है 256.38। अच्छा, इसका प्रोनाउंसिएशन भी बच्चों आपको बनना चाहिए। अगर पॉइंट के पहले जो भी नंबर होते हैं हमारे, उसको हम कंबाइंड पढ़ते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ देखें 256, ये मैं ऐसे पढ़ूंगा 256, ठीक है। 256 के पॉइंट के बाद वाले जो नंबर है उसको मैं 38 नहीं पढ़ सकता हूँ, उसको मैं कैसे रीड करूंगा? 38। क्लियर? उसको आप कैसे रीड नहीं करेंगे? 38 रीड नहीं करेंगे, उसको आप कैसे रीड करेंगे? 38। तो पॉइंट के बाद जो नंबर रहते हैं उसको आप नंबर के ही फॉर्म में रीड करेंगे। सपोज कीजिए एक और एग्जांपल लेते हैं, 7869.5843, ओके। सो सपोज कीजिए मुझे इसको प्रोनाउंस करना है, इस नंबर को, तो मैं प्रोनाउंस कैसे करूंगा? 7869। तो पॉइंट के इस साइड वाले नंबर तो मैं कंबाइंडली बोलूंगा, लेकिन पॉइंट के इस साइड वाले जो नंबर होंगे उसको मैं ऐसे नहीं बोलूंगा 5843, ऐसे नहीं बोलना है आपको। कैसे प्रोनाउंस करोगे? 5843। तो इसका ओवरऑल प्रोनाउंसिएशन होगा 7869.5843। तो एक ये बात आपको पता होनी चाहिए जो मैंने अभी अभी आपको क्लियर किया। इसके बाद आता है हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट। बच्चों देखो, प्लेस वैल्यू चार्ट में दो तरीके के यहाँ पे हमें नंबर देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम इसका प्लेस वैल्यू चार्ट में नंबर प्लॉट करेंगे। क्लियर? जब आप इस नंबर को देखते हो तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एक पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड नंबर्स हैं और एक पॉइंट के राइट हैंड साइड नंबर्स हैं। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये वाला जो नंबर है ये पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर है और ये पॉइंट के राइट हैंड साइड वाले नंबर्स हैं। क्लियर? तो पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर होते हैं हमारे, वो हमें कहाँ पर लिखने हैं प्लेस वैल्यू चार्ट में? वो यहाँ पे लिखने हैं, और पॉइंट के राइट साइड वाले नंबर्स हम इस साइड लिखते हैं। क्लियर? और बीच में हमारा क्या रहता है बच्चों? पॉइंट रहता है। तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, पॉइंट के इस साइड वाले जो नंबर रहते हैं वो हमारे वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, इस तरीके से कहलाते हैं। ठीक है? तो पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले नंबर वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड, लैख, टेन लैख, करोड़ कहलाते हैं। लेकिन पॉइंट के राइट साइड जो नंबर आते हैं हमारे, वो सबसे पहले हमारा वन से स्टार्ट नहीं होते हैं, वो हमारे स्टार्ट होते हैं टेंथ से, देन हंड्रेड्थ, थाउजेंड्थ, टीएच आ जाता है हर चीज में। क्लियर? तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूं आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आ जाएगी। तो पॉइंट के बाद का जो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर ये है, तो ये मेरी कौन सी प्लेस वैल्यू पे आएगा? ये आएगा टेंथ पर, टीई एन टी एच, ओके, टीई एन टी एच, मैं लिख देता हूं एक बार और, क्लियर, टीई एन टी एच, ओके। और ये वाला जो मेरा दूसरा नंबर है पॉइंट के बाद वाला, ये होगा हंड्रेड्थ पोजीशन पे, एच यू एन डी आर ई डी टी एच। क्लियर? और पॉइंट के जो मेरे इस साइड वाला जो फर्स्ट नंबर है ये होगा मेरा वंस प्लेस पर, ओके, वंस। क्लियर? ये टेंस पे, ये हंड्रेड पे। तो थोड़ा सा थोड़ा आप जब ये बार बार देखेंगे ना, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ हो तो आप एक बार फिर से रिकॉल कर सकते हैं वीडियो को, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है। चलो, ये नंबर्स को अब हम पॉइंट मींस प्लेस वैल्यू चार्ट पर भी लिखते हैं। तो अगर आप प्लेस वैल्यू चार्ट यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो तो पॉइंट ये है हमारा, पॉइंट के इस साइड सबसे पहले वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, टेन थाउजेंड आते हैं, और पॉइंट के राइट साइड हमारे टेंथ,
हंड्रेड थाउजेंड टी एच लग जाता है, इतना आपको याद रखना है, क्लियर। और यही सेम हमें फिट कर देना है किसमें, नंबर्स में ये वैल्यूज, क्लियर है। चलो हम करते हैं, सबसे पहले मुझे ये वाला नंबर करना है, तो पॉइंट का तो मैं पॉइंट ही लिख देता हूँ, चलो। फिर इसके बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ 652, क्लियर, और यहाँ पे 38, क्लियर है। तो अगर मुझसे कोई बोले कि मुझे ये बताओ कि 6 का क्या है, मीन्स मुझे ये बताना है 6 का प्लेस वैल्यू कौन सी है, तो वो 1 हो जाएगी। फिर अगर कोई बोले बताओ भैया 8 भी मैं लिख देता हूँ, इस 8 की क्या प्लेस वैल्यू है, तो मैं देखूंगा 100 तक, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। चलिए मैं एक और एग्जांपल मैंने नीचे लिखा था सेकंड वाला, इसको भी मैं फाइंड आउट करता हूँ, इसमें पुट आउट करता हूँ। तो सबसे पहले पॉइंट के नीचे मैं पॉइंट लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे 9 6 8 7, क्लियर। और इस साइड अगर मैं जाऊँगा 5 8 और ये 4, अच्छा मैंने इसके बाद 3 लिखना था, थाउजेंड के बाद आ जाएगा 10,000, TENTHOUSANDTH, ओके। तो यहाँ पे लिख दूंगा मैं 3। तो मेन मोटिव क्या है, आपको ये याद होना चाहिए, ये वाले ये जितने भी नंबर्स हैं ये याद होना चाहिए, 1, 10, 100, 1000, 10,000, तो इस साइड होता है, और यहाँ पे 10th, 100th, 1000, 10,000, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको यही याद हो जाए, क्लियर है। तो अगर आपको इतना क्लियर हो गया होगा तो आप पे बहुत आसानी से क्या बन जाएगी, एक्सरसाइज। चलो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये 4 का मुझे प्लेस वैल्यू बता दो कौन सी है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा पॉइंट के मेरे ये नंबर इस साइड आ रहे हैं, राइट साइड में आ रहा है, तो ये तो मेरा 10th होता है, 8 मेरा हो जाएगा 100th और 4 हो जाएगा मेरा 1000th, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, THOUSANDTH, क्लियर है। और अगर मैं इसमें देखूं तो ये देखो 4 मेरा जो था वो, सॉरी ये 10th 100th 1000th होगी ना, 1000 ही तो लिखा हुआ है, तो ये मेरा 1000 पे भी आ रहा था। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। चलो अब हम आते हैं बच्चों एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 8.1 हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों 8.1 एक्सरसाइज का सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, मेक अ प्लेस वैल्यू चार्ट एंड राइट दीज नंबर्स, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ द एनसर्कल डिजिट इन ईच नंबर। कह रहे हैं सबसे पहले तो प्लेस वैल्यू चार्ट बनाओ, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाने के बाद जो भी ये सर्किल वाले ये जो नंबर है ना जिसमें ये सर्किल बना हुआ है, इसकी हमें प्लेस वैल्यू भी बताओ। तो एक एक करके हम सब करते हैं। तो बच्चों मैंने यहाँ पे प्लेस वैल्यू जो हमने ऊपर अभी सीखा था उसको मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, क्लियर। ये प्लेस वैल्यू चार्ट ही तो था हमारा। इसमें देखो सबसे पहले हमें ए में क्या करना है, 46.48 लिखा हुआ है, कैसे प्रोनाउंस करना है ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो ए वाला हम यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे, ये है 46.48। तो 46 देखो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पे, पॉइंट के नीचे मैं पॉइंट बना देता हूँ और 46 लिखा हुआ है, तो 46 यहाँ पे लिखेंगे, 4 यहाँ पे। अब याद रखना ऐसे लिखना है आपको 46, नहीं तो आप ध्यान से थोड़ा सा, अब यहाँ पे 48 है इसके बाद, तो 4 यहाँ पे लिख दिया मैंने और 8 यहाँ पे लिख दिया। तो ये हो गया हमारा बच्चों आंसर ए पार्ट का। बट मुझे यहाँ पे इन्होंने ये भी बोला है 4 की मुझे प्लेस वैल्यू भी बता दो, तो ये जो मींस क्योंकि ये सर्कल है ना यहाँ पे, ये जो सर्कल है उन्होंने कहा इसकी प्लेस वैल्यू बताना है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या है, 10th है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 4 की प्लेस वैल्यू 10th, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लेस वैल्यू ऑफ दैट 4th इज 10th, ठीक है। आप चाहे तो आराम से भी अलग सेक्शन बना करके लिख सकते हो, प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 10th। इसके बाद हम आ जाते हैं बच्चों सेकेंड वाले पे, बी वाले पार्ट पे। बी वाले पार्ट में 15.72, तो ये हम इसको प्लेस करते हैं, तो 15 ऐसे ही लिखेंगे हम, 0.7 यहाँ पे और 2 यहाँ पे 100 प्लेस पर आएगा। इसके बाद मुझे 2 की प्लेस वैल्यू भी बतानी है, तो अगर मैं इस 2 की प्लेस वैल्यू देखूं तो ये मेरे 100th पर आ रहा है, किस पर आ रहा है, 100th पर, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इस 2 की प्लेस वैल्यू 100, HUNDREDTH, क्लियर। इसी के अलावा अगर मैं सी पार्ट पे आऊँ, ये तो हमारा बी पार्ट हुआ, अभी सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में अगर हम देखें तो क्या लिखा है, 567 है ना, अगर मैं देखूं तो 567.1014, ओके। तो मैं इसको इधर पे प्लॉट करता हूँ या फिर लिखता हूँ, तो पॉइंट के नीचे सबसे पहले मैं पॉइंट लगा दूंगा, इसके बाद 567, तो 100 पे आएगा 567 और फिर है 1014
थाउजेंड पे वन और टेन थाउजेंड पे फोर। तो ये कह रहे हैं फोर की प्लेस वैल्यू भी बता दो, अगर आप देख रहे हो तो फोर की प्लेस वैल्यू पूछिए। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो फोर की प्लेस वैल्यू क्या है मेरी, टेन थाउजेंड है ना, तो टेन हंड्रेड थाउजेंड, हाँ टेन थाउजेंड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फोर की यहीं पे ऊपर, टी ई एन टेन, टी एच ओ यू एस ए एन डी टी एच, क्लियर, दिस इज द आंसर फॉर सी पार्ट। अब मैं डी वाला पार्ट कर देता हूँ, डी वाले पार्ट में अगर मैं देखूं तो ये 126.247 है, तो इसको भी मैं लिखता हूँ यहाँ पे डी पार्ट 126.247 247। तो मैंने ये लिख दिया, प्लेस वैल्यू चार्ट बना दिया। इसके बाद ये कह रहे हैं सेवन का हमें वो भी बता दो, क्या बोलते हैं प्लेस वैल्यू। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये सेवन जो है वो मेरा किस प्लेस वैल्यू पे आ रहा है, थाउजेंड पर आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, थाउजेंड, इस सेवन की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, थाउजेंड। तो मैं लिखता हूँ टी एच ओ यू एस ए एन डी टी एच। तो आपको ये टेबल भी बनानी है और उसके नीचे ये भी लिखना है प्लेस वैल्यू ऑफ सेवन इज इक्वल टू थाउजेंड। इसके बाद है 4.67890, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी डी ई, ना कितना है 4.67890, तो 6, 7, 8 और 9, 10,000 के बाद लैक आ जाएगा ना, लैक आ जाएगा। तो इसके लिए आप लैक लिख सकते हैं, और बेसिकली अगर किसी भी पॉइंट के बाद अगर ये सारे 0,0,0 मैं लिख भी दूं तो इसका कोई सेंस होता नहीं है। तो आप ये जीरो बच्चों क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको निगलेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा हमें 10,000 तक ही पढ़ना है, उसके आगे हमें कोई जरूरत नहीं है इसको ज्यादा मॉडिफाइड करने की। बेसिकली हमें क्या करना है, इसका प्लेस वैल्यू जरूर बतानी है 8 की। तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी वो हम देख लेते हैं यहाँ पे, जो हमने प्लेस वैल्यू चार्ट में बनाया हुआ है ये है 8 और ये आ रहा है हमारा थाउजेंड्थ में, क्लियर। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, इसकी प्लेस वैल्यू थाउजेंड, टी एच ओ यू एस ए एन डी टी एच, टी एच ओ यू एस ए एन डी टी एच। सो ये हो गया हमारा आंसर ए पार्ट का। एफ पार्ट पे आ जाते हैं, सेम है, बहुत ही इजी है। सो एफ पार्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, एफ पार्ट में 18.967, तो 18 पॉइंट के नीचे पॉइंट 967, क्लियर। तो अब मेरे को बताना है किसकी, 9 की प्लेस वैल्यू। तो ये तो मुझे लगता है आप देख कर ही बता दोगे, पॉइंट के बाद पहला नंबर है तो इसका मतलब 10th हो जाएगी, क्या हो जाएगी 10th। सो ये हो गया बच्चों हमारा आंसर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का 8.1 का। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 3 और पूरी एक्सरसाइज ना। तो अगर पसंद आए वीडियो प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। बाकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एपीएस क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 8 के नेम से, सो वहां से जाकर के आप पूरे चैप्टर की वीडियोस जैसे जैसे बनती जाएगी मैं वहां पे ऐड करते जाऊंगा, उसकी लिंक प्लेलिस्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में।